नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन का क्वेश्चन है. कहा गया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm 3 revolution per minute द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π revolution है ना. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ते थे वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. तो यहां पर हम जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो निगेटिव वर्क करेगा और काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा देगा. ठीक. तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क. जैसे कि फोर्स का वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही टॉर्क का जो वर्क होता है वो होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से एंगुलर रोटेशन है. तो टॉ डी थीटा ये टॉर्क का वर्क हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो इसमें मैं डायरेक्ट जो है वो फाइनल जो है वो जीरो हो जाएगा और इनिशियल जो था वो कुछ यहां पर दिया हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये जो वर्क है वो एक्चुअली में निगेटिव आएगा, है ना. तो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट, एक तरह से मानना है हमें कांस्टेंट टॉर्क की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में. तो सीधे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. 2 revolution में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 revolution में 2π एंगल ट्रेवल करता है. तो 2π revolution में 2π इंटू 2π है ना. तो 1 revolution में इतना, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है यहां पर. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया. ठीक. माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा ½ i ω2 माइनस और माइनस दोनों तरफ से हटा देंगे, यह आएगा टॉ इंटू 4π² ½. मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है सॉलिड सिलेंडर का यह होता है mr² / 2 mr² / 2. ओमेगा जो है इसको लिखा जा सकता है 2π × frequency² तो देखेंगे यहां से 2, ये 2, 4 हो गया और यहां से 2, 2 का स्क्वायर है तो 4 कैंसिल हो गया. मास दिया गया है इसमें 2 kg और रेडियस दिया है 4 cm. तो रेडियस को लिखेंगे 4 × 10⁻²² यहां पर आ जाएगा π² है. देखेंगे एक π² इधर भी है और एक π² इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा तो रह गया n² n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है. यहां दिया गया 3 revolution per minute तो 3 revolution per minute फ्रीक्वेंसी नहीं होता, रिवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो 1 मिनट में 3 revolution तो 1 सेकंड में कितना होगा, 3/60. ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इसका होल स्क्वायर यहां पर हम लोग रखेंगे. ठीक. तो इधर आ गया टॉर्क इंटू 4. अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां से टॉर्क का वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁶ Nm जो कि SI यूनिट में यहां पर आएगा. ठीक. इसके बाद अगला सवाल पर आते हैं जो कि सर्कुलर मोशन का है. इसमें बताया गया अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर है ना. आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा कि कोई सिलिंड्रिकल वेल है, इसके अंदर कोई ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये. इसमें सिलिंड्रिकल ड्रम दिया गया है जिसके अंदर एक ब्लॉक है और ये सर्कुलर मोशन यहां पर कर रहा है. कहा गया द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1. द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. तो ये जो सिलेंडर है ये खुद भी रोटेट कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, यानी ब्लॉक जो है वो सिलेंडर के साथ ही सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे तो आएगा mg, इधर आएगा नॉर्मल और ऊपर आएगा फ्रिक्शन फोर्स. इस नॉर्मल की वजह से इसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर, है ना. तो यहां पर
इसका इक्वेशन और मोशन लिखे ना सेंटर की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स दे रहा है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, है ना, और ये फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो एक्चुअली में होता है म्यू एन, है ना। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, ओमेगा मिनिमम होगा तो नॉर्मल भी मिनिमम होगा, नॉर्मल मिनिमम होगा ताकि ये स्लिप नहीं करे, तो उस टाइम में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि म्यू एन के इक्वल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओमेगा मिनिमम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू इतना है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन mg के इक्वल होगा, थोड़ा भी उससे ज्यादा mg होगा तो नीचे गिर जाएगा, या ओमेगा कम होगा तो ओमेगा कम होने से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ये नीचे स्लिप हो जाएगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो इस केस में f मैक्सिमम इज इक्वल टू mg होना चाहिए, है ना। तो देखेंगे यहां से m और m कैंसिल करेंगे तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा g डिवाइडेड बाई म्यू इंटू आर। तो g का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 0.1, और रेडियस जो है देखेंगे आप यहां पर 1 मीटर दिया गया है ना। तो ये आ जाएगा 100 का रूट यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन बी है ये दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये जो 38 था इसका ऑप्शन डी जो था वो सही ऑप्शन था, और 39 में ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से है। इसमें एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है, कहा गया सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ कॉन्स्टेंट करेंट, द प्लॉट ऑफ द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। यहां पर ग्राफ बनाया गया है मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से। जैसे कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसका केवल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं, है ना। जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसका लेंथ इनफाइनाइट है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर लेंथ है और ये उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2πr², आर इसका रेडियस है, यानी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो सी में दिखाया गया और एक बी में दिखाया गया है। जबकि कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो ये आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, आर जो है ये डिस्टेंस हो गया एक्सिस से। ठीक, तो यहां पर बाहर जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें से सिलेक्ट करना है हमें, है ना, क्योंकि इस दोनों में अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, आर से कम जब डिस्टेंस है, आर जो है रेडियस है, मतलब ये जो आर है या यहां पर उसी आर को डी दिया गया है, तो आर से जब कम है, कैपिटल आर से कम है जब डी का वैल्यू, तो उस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड आर यानी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इसमें और इसमें, वैसा दिखाया गया ओरिजिन से पास करता हुआ लीनियर। इसके बाद बाहर की बात करें तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं दिखाया गया, कॉन्स्टेंट दिखाया गया, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये जो ग्राफ है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का है। कहा गया इन द सर्किट शोन द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर्स एंड अमीटर्स विल बी, दो केसेस दिखाए गए, एक ये सर्किट दिया गया है, दूसरा ये सर्किट दिया गया है। तो इसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और सर्किट में एक अमीटर जोड़ा गया था। अमीटर करंट को रीड करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा। दूसरे वाले सर्किट में क्या किया गया कि वोल्ट मीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, बस ये फर्क है। और फिर बताना है कि इस केस में वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा और अमीटर का रीडिंग क्या होगा। ठीक, तो हमें पता है कि आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है,
और एमिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, तो ये जो है एक जीरो रेजिस्टेंस वायर जैसा बिहेव करेगा और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, तो इधर से करंट जाना ही है, सारा करंट ऐसे जाएगा और इधर से निकल करके आएगा। तो इस केस में अगर करंट निकालेंगे I1 तो वो आ जाएगा, रेजिस्टेंस केवल 10 ओम माना जाएगा इस सर्किट में, क्योंकि करंट जो है वो केवल ऐसे फ्लो करेगा इस रूट से, इधर तो जाना ही नहीं है। तो करंट का वैल्यू आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का बराबर होगा और वही यहां का होगा, तो वी वन जो है वो आएगा 10 वोल्ट। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले सर्किट में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसके सीरीज में कोई और रेजिस्टेंस अगर हम ऐड कर दें तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इस केस में भी यहां से कोई करंट नहीं जाने वाला, जो भी करंट जाएगा वो इसी रास्ते से होकर के जाएगा। ये फिर से आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो सर्किट जो है वो यही है एक्चुअली में। तो बस 10 ओम का रेजिस्टेंस अभी भी है और 10 वोल्ट की बैटरी अभी भी है, तो इस बार जो करंट यहां से जाएगा वो आएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट की बैटरी बाई 10 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर करेगा, क्योंकि यहां तो करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो ये एक वायर जैसा बिहेव करेगा। तो V2 का जो यहाँ का जो रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो 10 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जो कि 10 वोल्ट होगा, है ना। तो V2 जो है वो 10 वोल्ट है। तो देखेंगे V1 भी 10 वोल्ट, V2 भी 10 वोल्ट, दोनों इक्वल है। I1 भी 1 एम्पियर और I2 भी 1 एम्पियर। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन बी है उसमें V1 इज इक्वल टू V2 दिया गया है और I1 इज इक्वल टू I2 दिया गया है, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स से है, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से। कहा गया इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला दिया गया इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हम लोग जानते हैं कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम लोग लिखते हैं एन एफ आर टी डिवाइडेड बाई टू। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर। ठीक, ये जो इंटरनल एनर्जी होता है वो आइडियल गैस के केस में वो काइनेटिक एनर्जी ही होता है, है ना। हम लोग आइडियल गैस के केस में एजम्पशन लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कोई भी एनर्जी गैस के पास नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बाकी सब तो फिक्स्ड है ना। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, बाकी जो है वो अपने आप गलत हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो ओबियसली प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, यहाँ डिक्रीज इन प्रेशर बोल रहा है, गलत हो गया। कह रहा डिक्रीज इन इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअली में जो टेम्परेचर बढ़ने से जो गैप है वो बढ़ना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए थोड़े। अच्छा, डी जो है इंक्रीज इन इट्स मास, मास का कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज होने से, तो ये सारे जो है वो गलत ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा गया ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज, है ना। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं एक डिफरेंशियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं जिसमें दो रॉड्स हैं और दोनों को जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो अब इनका जो भी लेंथ है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो दोनों का लेंथ बढ़ता है, इस तरह से लेंथ बढ़ता है कि इनके लेंथ का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के लेंथ में जो इंक्रीज है वो इक्वल हो, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं कि L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो ये हो गया डेल्टा L, एक तरह से ये ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो देख सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ है
वो किस पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ और अल्फा पर, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम दिया गया है ना, चाहे कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, दोनों में सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। तो ये कह सकते हैं कि फॉर कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो इनके लेंथ का डिफरेंस सेम रहे, इसलिए जरूरी है कि दोनों का जो इंक्रीज इन लेंथ है वो इक्वल हो, यानी दोनों के लिए डेल्टा एल इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा एल सी यू अल्फा सी यू इज इक्वल टू एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम। ठीक, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो थर्मल एक्सपेंशन का जो चैप्टर है उसमें ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया हुआ है ना, कि किस तरह से। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है IITian में कभी पूछा गया था, तो मैंने ये जो है इससे रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ाया है और उसमें ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया है कि जब लेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का प्रोडक्ट इक्वल होगा तो उनके लेंथ का जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर से इनडिपेंडेंट रहेगा, है ना। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि हमें यहां पर एल्यूमिनियम का लेंथ निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉपर का लेंथ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो लेंथ ऑफ कॉपर दिया गया है 88 सेंटीमीटर, अल्फा कॉपर जो है वो ये होता है 1.7 इंटू 10 पर माइनस 5 और एल्यूमिनियम का होता है 2.2 इंटू 10 पर माइनस 5, ये सेंटीमीटर में आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 68 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया है अल्फा पार्टिकल कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब अल्फा पार्टिकल के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन में दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है। 2 प्लस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चले गए हैं। तो इसमें एक्चुअली में होते थे 2 इलेक्ट्रॉन, जो हीलियम एटम होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम की नहीं, हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल तब बनता है जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, है ना, तभी ये 2 प्लस बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सबसे सही लग रहा है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो चुके हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला सवाल जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। कहा गया है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? तो इससे related theory जो है मैंने अपने video lecture में बताया है, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जैसे slits होते हैं, 2 slits होते हैं और ये central line है, है ना। तो कहीं यहाँ पर एक maxima बनता है या minima बनता है, ठीक है। Suppose ये minima है, तो minima का भी अपना fringe width होता है, है ना। इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक, तो यहां से ये जो फ्रिंज है, ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड करता है, इसको हम लोग कहते हैं ये एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ जो है थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं बीटा अपॉन डी। डी डिस्टेंस जनरली ये होता है, ठीक है, डी डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये थीटा बहुत ही छोटा होता है। और ये फ्रिंज विड्थ है हर जगह ऑलमोस्ट बराबर है, यहां भी और यहां भी हर जगह बराबर होगा। तो एंगुलर विड्थ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब कहा गया कि ये जो थीटा है शुरू में 0.2 डिग्री था, 0.2 डिग्री
इज इक्वल टू बीटा बाई डी। अब क्या किया गया कि जो पूरा एपरेटस है उसको वाटर में डुबा दिया हमने। वाटर में डुबाने से क्या होगा कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है कि जो म्यू होता है उसको हम लिखते हैं सी बाई वी, मतलब सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम का उस मीडियम में स्पीड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक, तो सी तो कांस्टेंट होता है, वी को हम लोग लिख सकते हैं एन लैम्डा। तो मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता लेकिन लैम्डा चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो एक्चुअली में म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि म्यू अगर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो यहां पर म्यू जो है, पहले तो वैक्यूम था, पहले एयर था, अब जो है यहां पर वाटर आ गया, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और वेवलेंथ डिक्रीज होने से बीटा भी डिक्रीज होगा, बीटा डिक्रीज होगा तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा। अब जो थीटा डैश है वो हो जाएगा बीटा बाई डी बाई म्यू, एक्चुअली में जो लैम्डा है वो अब लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा पहले से अगर बीटा नॉट बाई म्यू है ना, तो अब फ्रिंज विड्थ अब इतना हो जाएगा, अब नया फ्रिंज विड्थ ये हो गया, तो नया फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई डी, अब ये नया एंगुलर विड्थ हो गया। तो ये देखेंगे कि बीटा बाई डी डिवाइडेड बाई म्यू ये होना चाहिए एंगुलर विड्थ। ये बीटा बाई डी का वैल्यू पहले 0.2 दिया हुआ था, 0.2, और म्यू का जो वैल्यू है वो है 4/3, तो इसको लिखेंगे 3/4 × 0.2 है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 0.15 डिग्री है ना, तो ये हो गया 0.15 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एंगुलर विड्थ का वो आ गया 0.15 डिग्री।